नमस्कार, स्वागत है बिहारी न्यूज़ 24 में। जैसा कि आपको पता है, बिहार में पंचायत चुनाव की सरगर्मी लगातार जारी है। कई जगह पर चुनाव हो गई है और कई जगह पर जो चुनाव होनी है। बात करें मुसहरी प्रखंड की, तो यहाँ पर चौथी चरण की जो चुनाव की परिणाम है वो यहाँ पर घोषित कर दी गई है। कई कैंडिडेट हार चुके हैं तो कई जीत चुके हैं। और हमारे साथ है नरौली पंचायत के एक कैंडिडेट है जो कि सरपंच पद में जीत चुकी है। तो मैम, सबसे पहले तो आपको हमारे तरफ से और हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। और मैम, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप कितने वोटों से जीते हैं? सर, हम 2396 वोट से जीते हुए हैं। किस पद पे आप आए हैं? सरपंच। तो मैम, सरपंच पद ही क्यों? आप चाहते तो मुखिया पद भी आप चुन सकते थे। नहीं, हम सरपंच पद से आए हैं। जो हमारे पंचायत में न्याय नहीं मिलता है, जो एलएल की जो ऐसे पहले मुखिया सरपंच सब था, लेकिन सही फैसला नहीं होता था, लेकिन अब हम करेंगे। अच्छा मैम, तो क्या लग रहा है, इस पंचायत में पहले सही से न्याय नहीं होता था? तो आप इस बार आ चुके हैं सरपंच पद में, तो आप सही से न्याय करेंगे, इसलिए आप आए जी। तो मैम, ये जो आप जीत चुके हैं 2300 वोट से जो जीते हैं आप जी, पहली बार था क्या आपका? पहला बार था। तो मैम, आप पहली बार आए। सर देखिए, हम नहीं जीते हैं, जनता जीते हैं। तो ये जो 2300 वोटों से जीते हैं, तो इसका जो जीत स्रोत किसको देना चाहेंगे आप? जनता को। जी बिल्कुल। तो मैम, कहीं ना कहीं बात ये आ रहा है कि पहली बार आप वोट मैदान में आए हैं और इतना अच्छा वोटों से जीत चुके हैं, तो जनता से क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, हम आए ना तो हम अकेले फील्ड कर रहे थे, फील्ड में हम अकेले घूमते थे। एक एक जनता से, भैया और दीदी से, चाचा चाची से मिलते थे जी। यही उनको कहते थे कि जो हमको एक मौका दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी, फैसला हम करेंगे, अन्याय का निर्णय करेंगे अच्छा से। अच्छा मैम, आपके पंचायत में जो एक कचहरी होता है, जहाँ पर फैसला होता है, वो सब ग्राम पंचायत में जो होता है वो है आपके यहाँ कचहरी, जिसको पंचायत भवन कहा जाता है? जी है, मेरा पंचायत में ग्राम कचहरी, तो वहीं पर फैसला होता है जी। तो आप ये बता सकते हैं पहले जो है किस तरह से फैसला होता था? होता था, लेकिन लमार चमार के टाइम बढ़ाते जाता था, लेकिन सही अन्याय नहीं मिलता था। डेट बढ़ा दिया जाता, लेकिन डेट बढ़ा कर आगे लमार कर जाता था, लेकिन सही फैसला नहीं होता था। तो क्या मैम, आप इसको अब सुधार करेंगे और ठीक से न्याय करेंगे? देखिए, जनता को में ही समझाएंगे, प्यार से, प्रेम से, जो अपना है। देखिए, नरौली और बिंदा एक पंचायत, एक भाई है, एक समाज है। झगड़ा किससे होता है? अपना भाई से होता है, परदार से होता है। अगर अपना भाई में समझौता नहीं रहेगा, अपना परिवार में समझौता नहीं रहेगा, एक दूसरे लड़ते रहेंगे, आगे कैसे विकास होगा जी? बाल बच्चा सब है, उनको भी देखना है, पढ़ाई लिखाई भविष्य में। अब जिनका घर नहीं है, उनको सब लेकर न चलना होता है। ये पंचायत में होता था कि जे हर बार कैसे है, मुकदमे हैं, सब लड़ते लड़ते सब गरीब मजदूर हैये है और बर्बाद हो रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जनता की भी जागरूक बनना है कि जहाँ प्रेम प्यार से कैसे रहा जाएगा और कैसे आगे विकास होगा। उलट कर कोई अगर कुछ बोल रहे हैं, पीछे नहीं उलट कर ताकि आगे मुहे विकास करिए, आगे मुहे तकिए, उसी तरह से विकास होगा। तो हम यही उम्मीद लेकर आए हैं कि जे एक बार हमको जनता भाई, अगर जनता दीदी मौका देंगे, तो अपना पंचायत में जैसे हम समझाएंगे, वो अगर समझ जाएंगे तो बहुत अच्छा के बात है। मेरा जीत नहीं, जनता के जीत है। जिस दूरा पर हम जाते थे, कोई नहीं हमको कहें कि जे नहीं आप जाइए, यहाँ पर वोट नहीं मिलेगा। अब फर्स्ट बार आए हैं, लेकिन हमको एक ही बार में उसे पसंद कर लिए कि जे नहीं आपको हम जिताएंगे तो जिताएंगे। क्या परिचय हुआ मैम आपका? मेरा नाम है मालती देवी, घर है बिंदा, ग्राम पंचायत राज नरौली बिंदा, अति नरौली पंचायत है। अच्छा मैम, तो यहाँ पर बात एक और पूछना था कि आप जो जनसंपर्क अभियान में जब गए थे घर घर वोट मांगने, तो किस तरह से आपने मेहनत किया था? हम जाते थे, यही कहते थे जो मेरा भाई चाचा चाची को प्रणाम, मेरा नाम है मालती देवी, घर है बिंदा और सरपंच उम्मीदवार से मार रहे हैं, एक मौका मेरा भी दीजिए। तो मैम, आपको एक मौका मिल चुका है, एक मौका जनता ने आपको दे दी, जिता दी, अच्छी बात है। तो किस तरह से आप इसको चलाएंगे ये तो आपने कह दिया, लेकिन एक क्वेश्चन आपसे पूछना था। मान लीजिए मैम, कोई आपका अपना ही आदमी है, अपना ही जिससे आपको बहुत ज़्यादा लगाव है, वो अगर कहीं ना कहीं गलती कर बैठता है,
तो आप क्या उस पर सही राइट लेंगे? नहीं, गलत है तो गलत है और सही है तो सही है। गलत रहेगा उसको अपने है, लेकिन गलत को हम सही कभी नहीं बना सकते। तो मैम आप एक बात बताइए, आप अपने जब जीत चुके हैं तो आप किस तरह से सजाए देंगे यहाँ पर लोगों को? देखिए, और जीत चुके हैं सजाए उसी तरह से देंगे जो अन्याय उनको देंगे, फैसला करेंगे, फैसला मंजूर कर लेंगे। ठीक है, अन्याय उनको मिलेगा। जी बिल्कुल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।